हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और बहुत दिन बाद वापस से कैमरा उठाए। इसके पहले वाला ब्लॉग जो है वो बनाए तो लेकिन डाल नहीं पाए। और आज जो है अच्छा एक मिनट सिंपी, पहले अपना चेहरा दिखा दो तो। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, ये चेहरा आप देख रहे हैं, एक सेकंड दिखाओ। ये चेहरा 24+12 36 से 38 घंटा से ना कुछ खाया है ना पिया हुआ है। और सच में यार चेहरा एकदम सूख गया है, ना खाना ना पीना। मतलब एक्चुअली व्रत था जो हमारे तरफ में जीतिया बोलते हैं, बच्चे लोगों के लिए रखा जाता है। तो वो व्रत एक्चुअली सबसे कठिन होता है, डिफिकल्ट। तो वही व्रत अभी सिंपी जो है वो परसों रात से रखी है, मतलब 12 बजे के बाद, और अभी तक कुछ खाई नहीं है, ना पानी पी है। और आज ऐसा है कि ये चलेगा कुछ 10:30 बजे तक, 10:30 बजे के बाद ही कुछ खाएगी। तो फिलहाल उसके लिए काफ़ी सारा तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ बनेगा अपना चना दाल का पकौड़ी, और उधर आलू उबल गया है उसमें बनेगा आलू चॉप। तो चलो अभी फिलहाल अन्या को ब्रश कराते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो भाई, ये कराउंड पिसा गया, ये भी बच्चा हुआ, इसको भी पीस देते हैं। क्या खाएगी? लेमन क्या? लेमन सन नहीं, सन मेलन। अच्छा चलो, आनिया को तो सन मेलन मिलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं गूसबेरी यानी आंवला का और धनिया पत्ता के साथ चटनी बनाने। जाओ जाओ पढ़ाई करो, जाओ लो फल खा लो पहले, जाओ। तो आंवला तो काट लिए, इसमें डाल दे हरा मिर्चा 4, धनिया पत्ता पूरा डाल देते हैं। रुक जाओ बेटा, लहसुन, और बस इसको घुमा देते हैं अब। और ये देखो जी, चटनी हमारा बन के हो गया रेडी, बहुत धुआंधार चटनी बना हुआ है, तो ये खाने के बाद ही पता चलेगा। चटनी बना दिए तो इसको निकालना भी तो है ना, इसमें थोड़ी ना पड़ा रहेगा, तो इसको निकाल के इसमें भर देते हैं। तो यार अभी सिंपी के लिए सोच रहे हैं अभी फटाफट जो है नींबू पानी बना देते हैं, क्योंकि शक्कर जाएगा तो थोड़ा एनर्जी आएगा। तो अभी नींबू पानी उसके लिए बना देते हैं, हम लोग भी पी लेंगे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपना खाना वाना खाएगी, है ना। ऐसा लग रहा है कहीं ट्रांसफार्मर जो है वो उड़ गया है, बिकॉज बहुत ज़ोर का आवाज़ आया था अभी। तो देख ही रहे हो अभी एक्चुअली डीजी में चल रहा है। ये देखो नींबू का शरबत बन के हो गया रेडी, आलू इधर छिल गया, और सिंपी जो है नहा के आ गई, अब कर रही है पूजा। इसके बाद पानी वानी पिएगी नींबू शरबत, और उसके बाद फिर खाएगी। आज क्या धूप निकला है भाई, गजब कड़क। जय सूर्य देवता। तुम नहा लिए ना बच्चा, तुम अपना फ्रूट्स खा ली, वेरी गुड। आज वैसे दोनों माँ बेटी नहा ली है, और ये थोड़ा सा अजूबा हो रहा है क्योंकि सबसे पहले घर में हम ही नहाते हैं नॉर्मली, बट आज ये लोग सुबह नहा ली है और पूजा कर रही है। चलो हम भी जाते हैं, नहाते हैं फटाफट, और फिर खाना पीने का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, आलू का मसाला बना लेते हैं। और यहाँ देखो अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट तैयार है। और बादाम बन लेते हैं थोड़ा, अब इसमें डाल देते हैं ये मसाला, हींग डाल देंगे ये। तो अब देखो ये वाले में डाल दिया मैंने लहसुन, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और खटाई। अब ये भुंजा जाएगा बढ़िया से, तो उसमें आलू फोड़ के डाल देंगे। ये देखो
अब नींबू का शरबत सिंपी को दे दिए हैं, पी लेगी फटाफट, पी लो शरबत। वह पंखा उंखा चला दे यार, गर्मी बहुत है। कैसा बना है शरबत? अच्छा है। अच्छा, चीयर्स पियो। क्या जी, पियो पियो। क्या जन्नत? हाँ, अन्या इसको बोल रही है, देखो ना पापा लेमन सन काट के दो ना, लेमन सन। हम बोले बेटा सन मिलन होता है, तो कहती नहीं लेमन सन काट के दो ना, लेमन सन। भाई लोग ये देखिए, ये हमारा दाल का पकौड़ी के लिए यहाँ पे रेडी हो गया, और यहाँ पे आलू चॉप का मसाला जो है वो तैयार है। अब इसका गोल गोल गोली बना लें कि बेसन में लपेट के फिर फटाफट फ्राई कर देंगे। लो भैया, पकौड़ी आलू चॉप बनाने चले थे, घर में बेसने नहीं है, तो अभी फटाफट जेप्टो से बेसन ऑर्डर करते हैं और फिर बनाते हैं पकौड़ी। गर्मी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अक्टूबर का, अक्टूबर ऑलमोस्ट तुम्हारा स्टार्ट हो गया, एक हफ्ता बीत गया और गर्मी खत्म नहीं हो रहा, बताइए। हाँ, ये देखो ये पकौड़ी तलनी तो डाल दिए हैं, लेकिन मेरा पकौड़ी से ज़्यादा बड़ा वरी है कि तेल में झाग क्यों आ रहा है। और ये बेसिकली कनोला ऑयल है, हम लोग कनोला ऑयल ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी यूज़ किया उसमें झाग नहीं आया। हटसन का एक यूज़ करते हैं, इसमें क्यों आ रहा है झाग? ये बैच में कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है, आता नहीं है वैसे। ये देखो पकौड़ी जो है वो तला गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सिंपी खाएगी कितने बजे? टाइम बताओ जी, कितना बज रहा है? हाँ, खा के बताओ। खा ना लो। अरे अब 6 मिनट क्यों वेट करी, अभी बोली 10-20 में खाएंगे। बहुत देर है, 6 मिनट। ये देखो ये हटसन वाला, ये देखो ये हटसन वाला तेल डाले, ये वाला, ये अब देखो इसमें नहीं आ रहा है फेन, यानी कि उस तेल में प्रॉब्लम था। कैसा बना रहे? हाँ, अच्छा है। मम्मी पारन तोड़ ली, प्रणाम माँ, पारन तोड़ ली, दिखाओ क्या खा रही है, दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, चना दाल पकौड़ी और चटनी, आलू बोंडा, है ना? चलो खाओ, सेम चीज इधर बना है। आहा, बीवी का पारण हो गया। अब हमारा पारण है कि तारण है नहीं पता, बट हम भी खा ले रहे हैं। एक नंबर मस्त बना है ना भाई, नोनी वाला तो और अच्छा लग रहा है, ये वाला कैसा है? आलू चॉप मजा आया, आया धनबाद याद नहीं याद आया है वैसा टेस्ट। क्या बेटा तबीयत नहीं ठीक लग रहा है? आज सैटरडे है बेटा, हाँ छुट्टी, हाँ छुट्टी। ये तो बहुत ही गर्मी है पार्क में, शाम में 5 बजे, हाँ 5:30 में हम लोग पार्क नहीं जाते 5:30। बेबी आपका तबीयत ठीक है? नहीं। हाँ नहीं ठीक है, फीवर जैसा हो रहा है। हाँ आओ इधर देखे, पापा को दिखा दे, पूरा सूजा हो रहा है। आई बच्चा लोग का, बच्चा लोग का बहुत सूजा है। आईस आईज क्या हो रहा है? लाल हो रहा है अब बच्चे लोग का। हाँ वैदिक का तो लॉन्ग, मेरा तो थोड़ी देर पे लॉन्ग होगा। हम खाना वाना नहीं खा रही है,
मैं बहुत सर्दी है, तो ठंड आइसक्रीम नहीं खाएगी। आइसक्रीम नहीं खाएगी? नहीं। पक्का ना? हाँ। जिद नहीं ना करेगी बेटा? नहीं, एकदम बिना क्रॉस। क्रॉस? हाँ। दवाई। दोस्तों कभी परिवार के साथ बैठ के दो ही गुलाब जामुन में तीन लोग बैठ के एक चम्मच में खाने में क्या मजा आता है आपको? अकेले कितना भी खा लो उसमें मजा नहीं आएगा, है ना अन्य? मजा आ रहा है ना? क्या सिंपी, कैसा लग रहा है बताओ? मजा आ रहा है गुलाब जामुन खाने में? आज मेरा बच्चा का तबीयत जो है वो डाउन हो गया है, देखे बेटा टेम्परेचर, माथा तो गर्म है, पैर ज़्यादा गर्म है। इसका दवाई आ जाएगा ना तब तुम्हारा थोड़ा इसमें नहीं हो पा रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ पुराना हो गया क्या, एक्सपायर हो गया है? नहीं एक्सपायर नहीं, 24 महीने। अच्छा चलो चाय हम बना रहे हैं। चाय बनाए अदरक इलायची वाला। फाइनली फ्राइड चावल जो है सिंपी को पसंद था वो बन गया, बहुत हेल्दी है वैसे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कल रात हम लोग ब्लॉग जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि अन्या को बहुत हाई फीवर हो गया था रात में, कुछ 102.5, तो उसका पट्टी वट्टी स्पंजिंग स्पंजिंग करके दवाई देके उसको थोड़ा सा डाउन किए, और अभी भी उसका फीवर जो है वो हाई था, सुबह 101 था, तो अभी दवाई दिया हुआ है तो थोड़ा ठीक है। वैसे अभी बाहर से सामान ऑर्डर कर दिया है कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुनना तेरा वो सारा सामान ऑर्डर कर दिए हैं और अभी ब्रेड आ जा रहा है और चीज़ भी आ जा रहा है, तो अरे दाल गिरने वाला था, हम बोल रहे ब्रेड ब्रेड पिज्ज़ा बनाएंगे, खाएगी? नहीं तो नहीं, बोल दिए ना हम बस खाएंगे प्लेन बटर ब्रेड, आपको जो खाना खाइए। कहा है? अरे बड़ा अच्छा बनाएंगे यार, कॉर्न वॉर्न डाल के। नो मींस नो क्रॉस। ई क्या ई बाबू की तरह क्या कर रही है तुम, क्रॉस क्रॉस नहीं, हम नहीं खाएंगे ये सब जलिया चीजें। अन्या कहा है? बालकनी में क्या कर रही है? अरे अन्या क्या कर रही है तुम, ई क्या की है कपड़ा निकालने के लिए? हाँ कितना समझदार हो गई है बेटा तुम, लाओ नहीं मैं दो पकड़ ले पहले तो मैं। आओ आओ देखो ये लड़की को कपड़ा उतारना है, इससे पहुंच नहीं रही है तो ये टूल लाके और उसके बाद एक एक कपड़ा उतार रही है। आओ इसको हेल्प करके निकाल दे, निकलेगा नहीं वरना इनको रोज कपड़ा फोल्ड करना है। रुको रुको, गजब तेजी में फोल्ड करती है लड़की, देखो कम से कम इसको लॉजिक पता है कपड़ा फोल्ड करने का, कैसे भी हो ना हो अपने तरफ से इतना एफर्ट करती है लड़की, कम थोड़ी ना है, है मेरा बच्चा देखे। अच्छा सुन अभी दवाई पीने का टाइम है बेटा, दवाई पी ले फटाफट जो आया हुआ है, नहीं पीना पड़ेगा। देखो पौधों में पानी डालने के साथ साथ पत्ता को भी अगर धो दिया जाए तो देखो कितना सुंदर लगता है ना, जैसे धूल उल जम जाता है। देखो अभी ये सारे में तो कर दिए हैं, अभी इधर बाकी है। पापा पानी डाल रहा है अभी, अभी पानी डाल रहे हैं पापा, थोड़ा थोड़ा सा बस पानी डालना। हाँ थोड़ा तो चाहिए पानी, थोड़ा सा तो चाहिए, थोड़ा इतना बड़ा इतना थोड़ा। ए नारा है प्लांट, नारा है ना प्लांट? हाँ देखो प्लांट को भी तो साफ करना जरूरी है ना, देखो सिर्फ पानी डालने से नहीं। देखो मिट्टी है, मिट्टी सब हटा रहे हैं ना धूल। हाँ तो वही है पानी, ये अनयूजुअल पैटर्न ये। क्या हुआ बेटा खा लो, क्या हुआ? चलो जी देखो अपना बचका बन गया, खाना खा ले रहे हम लोग, चावल दाल ये भिंडी का भुजिया गोभी का सब्जी। चलो बचका। कौन आया अन्या? बाप रे बाप कौन है? चेहरा
पे हंसी देखी। कौन आया है तुमसे मिलने? बाप रे बाप। कौन है? हाँ पहुँच गए। हाँ बाल कटवा रहा हूँ मैं, कटवा के आपको दिखाता हूँ कैसा कटा है। अरे सुनो, चाय बना रही है क्या? चाय पिलाओ यार। आपसे चाय बनने से पहले मैंने इंस्टा पे चाय का वीडियो चलाया। अच्छा कैसा लग रहा है मेरा हेयर कट? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना मेरा हेयर कट? नहीं, ट्रिमर का कोई जरूरत ही नहीं था यार। क्या तुम लोग ट्रिमर उमर करवाते रहते हो पूरे दिन? क्या हो रहा है यार तुम लोग का? ये सब बहुत ही तुमको नींद लग रहा है क्या? हमको तो नहीं नींद लग रहा। निन्नी आ रहा है तुमको बेटा? अरे हे गाइस, अभी एक्चुअली एक डेढ़ हफ्ता पुराना जो है ना व्लॉग, उसको एडिट करके अपलोड कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा निकम्मापन इसको बोलेंगे मैं क्या बोले, लेकिन एकदम दिल से क्षमा मांगते हैं आप लोग से। और व्लॉग जो है हमारा कल सुबह आएगा, पिछला वाला, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज वाला जो व्लॉग है कल वाले व्लॉग के साथ मिक्स करके आपको कल या परसों तक में डाल देंगे। थोड़ा सा प्रेशर है यार, क्षमा करना दोस्तों, लेकिन कोशिश यही रहेगा कि टाइम से व्लॉग जो है वो जाता रहे। तो चलो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे अंत। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय फॉर नाउ। और आप लोग यहीं सोच रहे होंगे कि ये कॉमन स्टैंडर्ड डायलॉग हर समय क्यों डालते हो भाई, कोई मतलब है क्या? देखो यार, अगर नहीं डालेंगे ना तो पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। नीचे में बेल आइकन है, घंटी दबा दबा के, दो तीन बार मत दबाना, बस एक बार दबाना हो गया। ठीक है, चलो बाय।